बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी मटर की रेसिपी शेयर करूँगी, बंद गोभी द मटर। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक है ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं, जिसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें कूटा हुआ गार्लिक यानी रोहन 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी और इसे हम हल्का सा भूनेंगे। हाई फ्लेम पे ही हम ये कर रहे हैं। ये देखिए, जो ये गार्लिक है अच्छी तरह से हमने भून लिया है। और अब मैं इसमें 100 ग्राम इसमें मैं मटर शामिल करूँगी। मैं इसी के साथ एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 टीस्पून हल्दी, नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए, मटर जब हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ये खुद ही सॉफ्ट हो जाता है, हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत फिर नहीं होती है। मटर जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अब मैं इसमें 1/2 kg पत्ता गोभी शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने कट करके रखा था। इसी के साथ 4 हरी मिर्च, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम अभी भी हाई पे ही मैंने रखी है। ये देखिए, पत्ता गोभी में पानी जो है रिलीज़ होने लगा है। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हीट पे रखा है और इसे हम ढक के पकाएंगे जब तक ये पानी सारा ड्राई ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना जाए। पानी जो है सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, ये देखिए। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें मैंने ग्राइंड किया था, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसे अब हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी हाई फ्लेम पे ही जब तक ऑयल ऊपर ना जाए। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए, ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और ये जो पानी है सारा रिड्यूस हो गया है। पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया है और इसे हम ढक के रखेंगे 5 मिनट तक, उसके बाद सर्व करेंगे। ये बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, लंच, डिनर, जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो। इसे रोटी, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कश्मीरी जायका।